और मैं उमेश सर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मास्टर स्ट्रोक में। आइए मास्टर स्ट्रोक में आज हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी मैथ से क्लास 10 प्रश्नावली 3.6 का प्रश्न संख्या 2। एग्जाम के लिए आज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, कई बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन जो है वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है, तो पहले क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ेंगे समझेंगे, क्योंकि आपको मैं बता चुका हूं कि जब भी वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है उसका अगर आप समझ गए ना वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन को कि क्या है, तो आपका 50% क्वेश्चन वहीं पे सोल्व हो जाता है, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। धारा के अनुकूल का मतलब जिस तरफ धार बह रहा है उसी तरफ अगर तैरती है तो 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर लेती है, ठीक है ना। नहीं समझ में धारा के अनुकूल, जैसे आप लोग कभी साइकिल चलाए होंगे स्टूडेंट्स, या तो देखे होंगे कि जिस तरफ हवा बहती है अगर उस तरफ साइकिल आप चलाते हैं तो आप थोड़ा सा पैडल पर सहारा मारते हो तो साइकिल काफी तेज चलता है। ऐसे में क्या होता है कि कम समय में ज्यादा दूर सफर कर लेते हैं। वही मैं बोल रहा था कि धारा के अनुकूल जिस तरफ धार बह रहा है उस तरफ 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, करेक्ट। चलिए आगे देखते हैं। और धारा के प्रतिकूल यानी कि उसके अपोजिट उल्टा, यानी धार बह रहा है इस तरफ और हमको आना है इस तरफ, ठीक है ना, उल्टा धार के विपरीत दिशा की ओर, तो लाजमी है कि उसमें क्या होता है कि बहुत मेहनत लगता है और मतलब ज्यादा हम नहीं तैर पाते हैं, क्योंकि जो मेरा वास्तविक मतलब कि जो क्षमता है वही तैरते हैं, धारा हमें सपोर्ट नहीं करते जहां तक वो बाधा ही करती है। तो धारा के प्रतिकूल मतलब उल्टा 2 घंटा में 4 किलोमीटर तैर सकती है। देखिए ध्यान से कि धारा के अनुकूल 2 घंटा में 20 किलोमीटर और प्रतिकूल में मात्र 4 किलोमीटर तैरती है, तो उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करना है। अब आपको यह बताना है कि अगर जल स्थिर हो धार में नहीं हो तो कितना स्पीड से वह तैर रहा है, और दूसरा बताना है धारा की चाल कितना है, ठीक है ना। बहुत आसान है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग पढ़ रहे हैं। इसमें क्या करेंगे, तैरने की चाल को एक्स मानेंगे और धारा की चाल को वाई मानेंगे। जैसा कि देखिए बहुत आसान है स्टूडेंट समझना, पहले लिखेंगे माना कि स्थिर जल में तैरने की चाल बराबर एक्स किलोमीटर प्रति घंटा, ये याद रखेंगे, स्थिर जल में तैरने की चाल बराबर एक्स किलोमीटर प्रति घंटा एवं धारा की चाल बराबर वाई किलोमीटर प्रति घंटा। टू वेरिएबल है, एगो को एक्स मानेंगे एगो वाई, क्लियर है स्टूडेंट्स। अब देखिए प्रश्न कह रहा है कि धारा के अनुकूल, एक काम करते हैं पहले धारा के अनुकूल चाल निकाल लेते हैं, तो लिखेंगे धारा के अनुकूल चाल, ठीक है। तो धारा के अनुकूल चाल क्या हो जाएगा कि हमारा ये जो है तैरने की चाल एक्स और धारा की चाल जो है वाई, दोनों प्लस हो जाएगा, क्योंकि जिस तरफ धार बह रहा अगर उसी तरफ अगर हम तैरेंगे तो हमें धार क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, तो वहां पे क्या हो जाएगा प्लस, ठीक, किलोमीटर प्रति घंटा। अब लिखेंगे धारा के प्रतिकूल चाल बराबर एक्स माइनस वाई, क्योंकि प्रतिकूल धारा के जब विरोध में चलेंगे तो जो धारा की जो चाल है वो हमें प्लस नहीं होगा, उसमें माइनस हो जाएगा, विपरीत दिशा की ओर माइनस और धारा की दिशा की ओर प्लस, ये बात याद रखेंगे। तो एक्स माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, चलिए इतना हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आई मीन प्रश्न से, प्रश्न क्या कह रहा है कि धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो देखिए स्टूडेंट्स एक यहां पर मैं एक फॉर्मूला लगाने वाला हूं, यहां पे देखिएगा, यहां पर जो फॉर्मूला लगेगा हम लिख देते हैं, दूरी बराबर चाल गुने समय, ऐसे इसको बनाना है, तो आप समय बराबर दूरी बटा चाल करके भी बना सकते हैं, लेकिन ये बहुत आसान लगेगा स्टूडेंट्स के लिए, बहुत इजी, आप इतना सोच भी नहीं सकते स्टूडेंट्स, बहुत इजी, आज के बाद ना ये क्वेश्चन कभी भी आपसे मिस नहीं होगा, मैं प्रॉमिस करता हूं आपसे।
बस ध्यान से देखते रहे, दूरी बराबर याद रखेंगे, चार गुने समय यानी डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम हो जाता है। चलिए इसी सूत्र से बनाएंगे, तो चलिए अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चार गुने समय बराबर दूरी, ऐसे लिखिए या फिर ऐसे लिखिए। तो पहले लिखेंगे चार गुने समय या समय गुने चार, तो समय कितना लगा है दो घंटा, तो टू इंटू समय और गुने चार, तो धारा के अनुकूल चार कितना है एक्स प्लस वाई, तो टू इंटू एक्स प्लस वाई यानी कि समय गुने चार या चार गुने समय बराबर दूरी होता है, तो धारा के अनुकूल कितना दूरी तय किया 20, तो यहां पर डाल देंगे 20, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। कितना आसान था, एक बार फिर से समझ लीजिए, यहां पर यही फॉर्मूला लगाए हैं, चार गुने समय लिखिए या समय गुने चार, तो समय हमारा दो है, चार जो है अनुकूल एक्स प्लस वाई है यहां पर देखिए, और तो चार गुने समय बराबर दूरी, दूरी कितना तय किया 20 किलोमीटर। क्लियर है स्टूडेंट्स ना, चलिए एक एक चीज को मैं बारीकी से क्लियर करते चल रहा हूं। अब देखिए पुनः फिर प्रश्न कहता है कि समय तो वही है दो घंटा में, और प्रतिकूल चाल कितना है, तो प्रतिकूल चाल जो है हमारा है माइनस है, यहां पर देखिए प्रतिकूल चाल एक्स माइनस वाई, तो प्रतिकूल धारा के प्रतिकूल दो घंटा में कितना दूरी तय करता है चार किलोमीटर, तो ये हो जाएगा टू इंटू एक्स प्लस वाई बराबर चार, ठीक है ना। एक आप करते स्टूडेंट, चलिए इसको समीकरण एक नहीं मानेंगे, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा सोल्व कर लीजिए, इसको लिख सकते हैं, चलिए ये थोड़ा सा, इसीलिए एक्स प्लस वाई बराबर, इधर देखिए दो से इधर गुना है, दो से भाग हो जाएगा बराबर 10। अब मान लीजिए क्वेश्चन फर्स्ट, इससे क्या होता है ना क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता है, इधर दो से इंटू था ना, इधर बाई में आ जाएगा, तो 10 × 20 यहां पर ये हो जाएगा, ठीक। चलिए अब उसी तरह से इसमें करेंगे, इधर दो से गुना है, इधर आकर दो से भाग, इधर हो जाएगा एक्स माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा दो, समीकरण कितना हो गया दो हो गया, ठीक। अब समीकरण एक दो समझ में आ गया, तो लिखेंगे समीकरण एक में से समीकरण दो को घटाने पर, समीकरण एक में से समीकरण दो को घटाने पर, चलिए इधर समीकरण एक हमारा कितना है ध्यान दीजिएगा, समीकरण एक है हमारा x प्लस वाई बराबर 10 और दो है x माइनस वाई बराबर दो, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, यहां पर घटाने पर लिखे हैं, ऐसा करें स्टूडेंट्स, जोड़ने पर और इजी हो जाएगा, जोड़ने पर और इजी हो जाएगा, घटाने पर ही बनेगा जोड़ने पर, क्योंकि जोड़ने पर साइन चेंज करने का झंझट नहीं रहेगा, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो गया, और एक्स एक्स को एड करेंगे तो 2x और 10 दो को एड करेंगे तो 12, दो से काट देंगे 6 × 12, इसीलिए x बराबर कितना आ गया 6, x बराबर कितना आ गया स्टूडेंट 6। अब ये लिखेंगे, क्योंकि चलिए इस तरफ आप नहीं दिखेगा, इस तरफ लिख लेते हैं, अब लिखेंगे x का वैल्यू समीकरण एक में रखने पर, ये एक में रख सकते हैं या दो किसी में रख सकते हैं, x का वैल्यू समीकरण एक में, समीकरण एक क्या है, x के जगह पर x का मान क्या निकाले हैं 6 प्लस वाई बराबर 10, इसीलिए y बराबर 10 माइनस 6, इधर प्लस 6 इधर का माइनस 6, इसीलिए y बराबर क्या निकल गया 4, बिल्कुल x y माने थे निकल गया। चलिए अतः आप लोग को लिख लेना, क्वेश्चन बन गया स्टूडेंट्स, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अतः लिखेंगे स्थिर जल में तैरने की चाल, ये रहा बराबर एक्स माने थे ना, एक्स का मान क्या निकला 6 किलोमीटर प्रति घंटा, एवं धारा की चाल बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। आराम से स्टूडेंट्स उतार लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए आप लोग से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं, नए आए हैं, तो आप निश्चित तौर पर हमारे चैनल को पहले विजिट कीजिए, ये चैनल का मकसद क्या है मैं बता देना चाहूंगा। ये चैनल का मकसद है कि जो भी क्लास 9th 10th के स्टूडेंट्स हैं, जो कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं या मतलब किसी भी वजह से जिनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, वह हमारे YouTube चैनल के माध्यम से पूरा संपूर्ण मैथ की तैयारी हो जाएगा, और कोई दिक्कत नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही हमारे वीडियो का एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।